हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसीए ट्रिक्स बाय नितिन में। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड कि ब्लड क्या है, उसके बारे में कुछ बातें लिख रखी हैं, ब्लड के फंक्शन क्या हैं, ब्लड के पार्ट क्या हैं, इन सबको हम डिफाइन करेंगे। और जैसे जिसमें आपको दिख रहा है स्क्रीन पर आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स, ये क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये सब हम आराम से इस वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। तो ब्लड के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले जैसे कि लिख रखा है मैंने कि हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। अगर हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है तो ब्लड के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी, या फिर दूसरा नाम हम क्या कहते हैं उसको, सेरोलॉजी। ब्लड की स्टडी को हम हेमेटोलॉजी भी कह सकते हैं और सेरोलॉजी। इसके बाद जैसे कि इट इज ए कॉम्प्लेक्स ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, जो ब्लड है वो क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका कलर कैसा होता है, रेडिश कलर होता है। जो ब्लड है हमारा उसका कलर कैसा होता है, लाल जैसा लाल होता है, रेडिश होता है। होता किस वजह से है, क्योंकि ब्लड में आरबीसी होती है और उस आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन रिमेंट होता है जिसमें हीम प्रोटीन होती है, तो उसकी वजह से उसका कलर क्या होता है, लाल होता है। बात करते हैं ब्लड के पीएच की, तो ब्लड का पीएच जो होता है 7.4 होता है। ब्लड का पीएच कैसा होता है, 7.4, मतलब कि ये क्या है, बेसिक है, क्या है, लिटिल बेसिक है। एडल्ट ह्यूमन हैव 5 to 5.5 लीटर ब्लड। जो एक एडल्ट ह्यूमन है उसमें जो ब्लड की जो मात्रा है वो करीब 5 से 5.5 लीटर होती है, मतलब 5 से 5.5 लीटर का जो अगर हम वॉल्यूम के तौर पे कहते हैं तो 5 से 5.5 लीटर ब्लड एक एडल्ट ह्यूमन में होता है। और इस ब्लड की वजह से इंसान के बॉडी का जो वेट परसेंट है, अगर 7 से 8% जो बॉडी को वेट होता है जो इंसान का, वो किस वजह से होता है, ब्लड की वजह से होता है। उसके बाद है कि एन एवरेज साइज मैन हैव 12 to 14 पिंड ब्लड, कि जो अगर हम ब्लड को मापते हैं यूनिट में तो उसको मापते हैं हम पिंड में, ब्लड को उस यूनिट में मापते हैं, हम पिंड में मापते हैं। और एक पिंड में जो ब्लड होता है वो होता है 473.18 ml, कि 473.18 ml ब्लड होता है एक पिंड में। उस हिसाब से अगर हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं तो एडल्ट ह्यूमन में, तो उसमें 12 से 14 पिंड ब्लड पाया जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो 14 जून को मनाया जाता है, 14 जून को उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद यह है कि जो ब्लड है उसमें दो पार्ट हैं, एक तो प्लाज्मा होता है, एक फॉर्म एलिमेंट। जैसे कि आपके यहाँ पर डायग्राम दिख रखा है, इसमें क्या है, नीचे जो है ये दिखा रखा है मैंने कि यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट है जिसके जो लगभग 45% होता है, 45% होता है। प्लाज्मा जो है वो 55% होता है। इस प्लाज्मा में भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रोटीन होते हैं, वाटर होता है, आयंस होते हैं। वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्लाज्मा में, वाटर की मात्रा भी कम से कम 90 से 92% पाई जाती है। प्रोटीन जो है 7 से 8% पाए जाते हैं, और आयन भी पाए होते होते हैं इस प्लाज्मा में, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। इसके बाद साथ ही साथ ये है कि जो फॉर्म एलिमेंट है उसकी जो, अगर हम टोटल ब्लड की बात करें, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो है इस जार में 100 ml ब्लड है, तो उसमें से करीब जो है 55% जो होगा प्लाज्मा होगा और 45 ग्राम जो होगा, 45 ml जो होगा वो फॉर्म एलिमेंट होंगे। उस फॉर्म एलिमेंट में क्या क्या होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीन चीज़ें उसमें होंगी। और ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो 4-chambered हर्ट के द्वारा होता है। ह्यूमन बॉडी में जो हर्ट है 4-chambered है, ये हर्ट के बारे में भी मैं आगे इसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो डालने वाला। तो ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हर्ट के द्वारा, कितना चैम्बर्ड हर्ट होता है, ह्यूमन में 4-chambered हर्ट होता है। जो ब्लड सेल है, ब्लड सेल बनती कहाँ है, तो ब्लड सेल जो बनती हैं, डेवलप होती हैं, वो होती हैं हेमोपेटिक स्टेम सेल में। ब्लड सेल कहाँ बनती हैं, हेमोपेटिक स्टेम सेल के अंदर बनती हैं, ठीक है, इनसे बनती हैं। और अगर ब्लड की जो मात्रा है बॉडी में कम हो जाए, अगर खून की कमी हो जाती है शरीर में, तो उसको हम एनेमिया कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एनेमिया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड जो है, अगर मैं मान के चलता हूँ कि इसमें 100 ml ब्लड है, इस ट्यूब में, तो उसमें से क्या है, 55% जो है प्लाज्मा होता है और 45% फॉर्म एलिमेंट होते हैं। तो इनको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में होता क्या क्या है, वाटर होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और गैसेस होते हैं, कुछ नाइट्रोजन वेस्ट भी होते हैं,
जोल्डर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, साथ ही साथ प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। तीन प्रोटीन हैं, एल्बुमिन, फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन। तो इन प्रोटीन का काम क्या है, जैसे कि एल्बुमिन है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती है, फिब्रिनोजन ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती है, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती है, फिब्रिनोजन जो है ये हेल्प करती है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये जो खून जो है ब्लड जो है उसका थक्का जमने में, क्लॉट बनने में ये हेल्प करती है। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है, फिब्रिनोजन। उसके बाद है कि ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन इसका काम क्या है, ये है डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है, ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। इसका मतलब ये है कि ब्लड में जो भी बैक्टीरियल या फंगल पैरासाइट होंगे उनसे ये डिफेंस में हेल्प करेगी, उनसे ये फाइट करेगी और हमें प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद प्लाज्मा, देखिए दोबारा रिपीट करता हूँ, वाटर होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेज हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम है, क्लोरीन है और पोटासियम है। पोटासियम जैसा आपको पता है इसका रोल किसमें होता है, ब्लड क्लॉटिंग में इस पोटासियम आयन का भी रोल है, हेल्प इन ब्लड क्लॉट, तो ये भी ब्लड क्लॉट पे हेल्प करती है। साथ ही साथ इसका दूसरा पार्ट जो है फॉरेन एलिमेंट, ये फॉरेन एलिमेंट जो है 45% जो है पार्ट कंटेन करता है ये ब्लड का। इसमें तीन पार्ट सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसीज जो हैं इनको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, बोलो क्या होती है इनकी, रेड ब्लड सेल्स, इन्हें आप रेड ब्लड सेल कह लो या कॉर्पसल कह लो, बात एक ही है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स शॉर्ट में कहते हैं आरबीसीज। दूसरा नाम क्या है इनको और क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। आरबीसी बनते कहाँ हैं, बोन में, जो रेड बोन की जो सेकंड लेयर है कॉम्पैक्ट बोन, उसके अंदर ये रेड बोन मैरो जो होता है उसके अंदर क्या है, आरबीसी बनती है। इनके बारे में डिटेल में अभी थोड़ी देर में मैं पढ़ाऊंगा आरबीसी के फंक्शन के बारे में और इसके बारे में। अब डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी में कौन कौन से पार्ट हैं, फिलहाल मैं स्टार्ट में आपसे ये बता रहा हूँ कि ब्लड में कौन कौन से पार्ट हैं, प्लाज्मा है, फॉरेन एलिमेंट है, तो प्लाज्मा के पार्ट ये है और फॉरेन एलिमेंट में पार्ट ये है, जैसे कि आरबीसी है, आरबीसी को क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। ऐसे डब्ल्यूबीसी की फुल क्या हो जाएगी, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स कहते क्या है इनको हम, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट जो है इसको दो पार्ट्स हैं, इसमें दो तरह की सेल हैं, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स है। इसमें जो है ग्रैनुलोसाइट्स, इसमें तीन पार्ट हैं सेल्स के, तीन तरह की सेल हैं इसमें, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं और इसिनोफिल्स हैं, ठीक है। ये ब्लड में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेन एलिमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन पाई जाती है आरबीसी की, उसके बाद प्लेटलेट्स की, और सबसे कम पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी में जो पार्ट हैं ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट, तो ग्रैनुलोसाइट के तीन पार्ट हैं सेल्स हैं, तीन तरह की सेल हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स। ए ग्रैनुलोसाइट है, इसके दो पार्ट हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो मैं ग्रैनुलोसाइट में बात करता हूँ तो न्यूट्रोफिल जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं 62%, ये ब्लड में 62% नहीं पाई जाती हैं, ये ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स जो पार्ट है उसके अंदर जो ग्रैनुलोसाइट्स जो सेल होती हैं उसमें न्यूट्रोफिल है जो है उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो 62% होती है। बेसोफिल्स जो है 2-3% होते हैं और इसिनोफिल्स जो है 0.5-1% इनकी जो है कंसेंट्रेशन होती है। मोनोसाइट्स जो है 5-6% पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट जो है 30% जो है इनका कंसेंट्रेशन रहता है डब्ल्यूबीसी में,
तो लिम्फोसाइट जो है इसके दो टाइप हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट। तो एक बार दोबारा हम रिमाइंड करेंगे इसको कि डब्ल्यूबीसी में दो पार्ट है, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट दो पार्ट तीन पार्ट है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स। और ए ग्रैनुलोसाइट में दो पार्ट है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में फिर दो पार्ट है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें फंक्शन ऑफ ब्लड। अब फंक्शन ऑफ ब्लड मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या क्या है। फंक्शंस ऑफ ब्लड, जैसे कि इट ट्रांसपोर्ट O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यू। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स को और टिश्यू को, ताकि वो रेगुलरली काम करते रहे। उसके बाद इट फॉर क्लॉट्स वाई प्लेटलेट्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस। बॉडी में कट लग जाए, इंजरी लग जाए, तो ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ब्लड ज़्यादा फ्लो ना हो, एक्सेसिव लॉस ना हो, तो उसके लिए ब्लड में क्या बनती हैं, प्लेटलेट सेल होती हैं जो क्लॉट्स बनाती हैं और ब्लड को बहने से रोकती हैं। उसके बाद है कि इट ब्रिंग्स वेस्ट प्रोडक्ट टू द लंग्स एंड किडनी। हमारे लंग्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट है CO2 है जो ब्लड में, उसको ब्लड CO2 को कहा जाता है लंग्स के पास ले जाता है, ताकि लंग्स उसको डिटॉक्सिफाई कर सके, प्योर कर सके ब्लड को। तीसरा ये है कि ब्लड जो है फिल्ट्रेट में मिलकर के जो लिक्विड वेस्ट रहता है बॉडी में, उसको किडनी के पास ले जाता है, ताकि किडनी उसको फिल्ट्रेट कर सके। तो इसलिए कहा कि इट ब्रिंग्स वेस्ट प्रोडक्ट टू लंग्स एंड किडनी। उसके बाद इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ब्लड जो है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इट कैरी डेड सेल्स टू किडनी फॉर फिल्ट्रेशन एंड एसिडेशन। जैसे अभी बता रहा मैं आपको कि जो ब्लड है ये डेड सेल्स को किडनी के पास ले जाता है, RBC जो है जब उनकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है तो वो भी कहाँ स्टोर होती हैं किडनी में, तो किडनी उनको क्या है, किडनी के अंदर से क्लीन है वहाँ पर स्टोर होती हैं। और किडनी क्या करता है, इनको फिल्टर करता है, इसलिए कि इट कैरी डेड सेल्स टू किडनी फॉर फिल्ट्रेशन एंड एक्सिडेशन, ताकि किडनी उसको ब्लड को फिल्टर कर सके और वहाँ से जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट कर सके। तो लंग्स भी लंग्स क्या है, CO2 को एक्सक्रीट कर सकते हैं, और किडनी जो है उसमें ब्लड में जो भी यूरिया है और यूनाइटेड जो वेस्ट हैं उनको एक्सक्रीट करेंगे। उसके बाद है इट कैरी एंटीबॉडी एंड सेल्स टू फाइट इन्फेक्शन। ब्लड में सेल्स हैं, WBC है, तो वो क्या है एंटीबॉडी, उसमें पार्ट है अभी लिम्फोसाइट मैंने आपको पढ़ाया है, वो क्या करता है एंटीबॉडीज बनाते हैं। वो क्या है एंटीबॉडी बनाते हैं, इसलिए कहा इट कैरी एंटीबॉडी एंड सेल्स टू फाइट इन्फेक्शन। बॉडी को इन्फेक्शन ना हो उससे लड़ने की क्षमता भी ये ब्लड देता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू नर्व सेल्स। जो ब्रेन जो है उस ब्रेन में जो सेल हैं हमारे नर्व सेल हैं जो पूरी बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनको भी जो ऑक्सीजन देता है ये ब्लड के ही थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। इट ट्रांसपोर्ट एनर्जी टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी बाय डाइजेस्ट फूड। हमने जो फूड खाया उस फूड को डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी जो ट्रांसफर होगी ये ब्लड के द्वारा ही ट्रांसफर होगी। तो ये क्या करता है एनर्जी को ट्रांसफर। अब हम वन बाय पढ़ेंगे फॉर्म एलिमेंट जो भी सेल बताई हैं अभी चार्ट में कि ब्लड में जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं उसमें क्या क्या है, एरिथ्रोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, मतलब WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो वन बाई वन उसे पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या है, क्या होती है, कैसी है। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे है कि दीज ब्लड सेल्स या दीज ब्लड कॉर्पसल्स आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो। जो ब्लड रेड ब्लड जो सेल्स हैं बोन मैरो के अंदर बनती हैं। उसको कहते हैं डोंट हैव न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस नहीं होता हमारे बॉडी में। जो ये सेल है RBCs रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। और इनका शेप कैसा होता है, वाई कॉनकेव शेप होता है। जो ह्यूमन RBCs हैं ब्लड सेल्स जो हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इनका शेप कैसा होता है, वाई कॉनकेव के शेप होती है। तो लाइफ स्पैन है RBC की जो किस दिन है, मतलब लाइफ स्पैन का मतलब ये है कि यहाँ पे कि अगर बॉडी में कोई सेल जो RBC बन रही है तो कितने टाइम तक वहाँ पे कंटिन्यू कर सकती है, कितने टाइम तक वो जीवित रह सकती है। तो वो 120 डेज जो है लगभग इतने टाइम तक RBC की लाइफ स्पैन है। इसके बाद जब ये सेल्स डेड हो जाती हैं RBC, इनको किडनी के लिए किडनी के पास चली जाती हैं, वहाँ पे जो सिप्लिन पार्ट होता है सिप्लिन वो इनको स्टोर करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs।
आरबीसी की कब्र कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जो सिप्लिन है यही मरी हुई जो डेड जो आरबीसी हैं इनको स्टोर करता है और बाद में किडनी इनको एक्सक्रीट करता है। इसमें एंजाइम भी होता है आरबीसी में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है इसमें। अच्छा, जो आरबीसी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, आरबीसी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही इसका जो कलर होता है रेड ब्लड का वो रेड होता है। ब्लड का जो कलर होता है रेड वो हीमोग्लोबिन वजह से होता है। वो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। इस हीमोग्लोबिन के अंदर, इस हीमोग्लोबिन के अंदर एक हीम प्रोटीन होता है, हीम प्रोटीन। तो इसलिए कहा है कि साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी रिच इन हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी इन ह्यूमन कंटेन 270 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन, कि जो ह्यूमन बॉडी के जो आरबीसी हैं वो कितनी हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं, 270 मिलियन हीमोग्लोबिन जो है प्रेजेंट होगी किसमें, पूरी बॉडी में जो आरबीसी हैं उसमें। और वैसे अगर मैं एक शॉर्ट टर्म में एक बात करूं तो 100 ml अगर ब्लड है, उस 100 ml ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की जो कंसेंट्रेशन होगी वो करीब 12 से 14 ग्राम मतलब ml हीमोग्लोबिन होगी। 100 ml ब्लड में 12 से 14 ग्राम या ml क्या होगी, हीमोग्लोबिन होती। उसके बाद है कि ह्यूमन आरबीसी टेक्स 60 सेकंड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। वैसे तो कार्डियक साइकिल है 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये कह रहा है कि जो आरबीसी का जो सर्कुलेशन है, जो वन टर्म जो सर्कुलेशन है वो कितना किस टाइम होता है, 60 सेकंड में जो है आरबीसी का एक सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर इसका आ रहा है कि ईच हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब यह है कि हीमोग्लोबिन जो एक मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाएगा। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी में। जैसे कि जब हम सांस तेज लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा बॉडी में आएगी, उस ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ जो है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है जुड़ेगी और क्या बनाएगी वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इसके बाद है कि इट रिमूव CO2 फ्रॉम बॉडी टू ब्रिंग इट विद लंग्स। ये जो है आरबीसी ये CO2 को भी कैरी करेगा, CO2 जब कैरी करेगा लंग्स के पास जाएगा तो लंग्स में क्या करेंगे, वहाँ से एक्सहेल कर देंगे हम सांस के साथ, इसको बाहर छोड़ देंगे। और बॉडी में अगर आरबीसी की संख्या कम होती है, अगर बॉडी में आरबीसी के जो काउंट है कम होता है तो बीमारी जो है, डिसीज जो है उसको हम उस कंडीशन क्या कहते हैं, एनीमिया। बॉडी में जब ब्लड की कमी है, आरबीसी की कमी है, तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। अब एनीमिया है तो इसके लिए क्या है कि अगर ब्लड में आरबीसीजी की जो काउंट है कंप्लीट करनी है, पूर्ति करनी है इसकी, तो न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हम आरबीसी की जो कंसेंट्रेशन है, मात्रा है, उसको बॉडी में पूरी कर सकते हैं, उनकी पूर्ति कर सकते हैं। जैसे एग्स हैं, अंडे हैं, ग्रेन्स है, सीरियल्स है, बनाना, बीन्स, ऑरेंज जूस, लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार जो सब्जियाँ हैं वो, ये जो है न्यूट्रिएंट्स, अगर इनको हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं अपने डाइट में तो इनके सहायता से क्या है, हम जो आरबीसी की जो बॉडी में जो ब्लड लॉस हुआ है उसकी जो है पूर्ति होगी। और बॉडी में जब आरबीसी का लॉस ज़्यादा होता है, बॉडी में जब आरबीसी लॉस हो जाती है किसी एक्सीडेंट के द्वारा कट लग जाए बॉडी में उसके द्वारा, तो एक्सेसिव लॉस ऑफ आरबीसी नॉन एज हीमोलाइसिस, जो क्या कहते हैं इसको, हीमोलाइसिस कहते हैं। बॉडी में ब्लड के लॉस को क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस। अब आरबीसी के बाद हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। फॉर्म एलिमेंट का जो है सेकंड टाइप की जो सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी, इनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। अब इनका क्या है कि ये कलरलेस होते हैं। ये कलरलेस किसलिए होते हैं, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो एबसेंट होता है। अब हीमोग्लोबिन इनमें नहीं है तो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम प्रोटीन है जो इसको ब्लड को रेड कलर देता है, तो इसलिए ये क्या है, कलरलेस है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है एब्सेंट होता है। कंसेंट्रेशन की बात अगर हम करते हैं तो ब्लड में जो है सबसे कम कंसेंट्रेशन सेल्स के अंदर डब्ल्यूबीसी की होती है, सबसे ज़्यादा जो है उसमें आरबीसी होती है, फिर प्लेटलेट्स और फिर डब्ल्यूबीसी होती है। इसे लिखा भी है कि 6000 से 8000 माइक्रोलीटर जो है डब्ल्यूबीसी होंगी, तो कंसेंट्रेशन की जो है काफ़ी कम होती है। लाइफ स्पैन जो है इसकी, लाइफ स्पैन भी जो है काफ़ी कम है। आरबीसी की हमने लाइफ स्पैन पढ़ी थी कि 120 डेज होती है, लेकिन जो है डब्ल्यूबीसी इनकी जो लाइफ स्पैन है वो अप्रोक्स 10 डेज होती है। तो डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो 10 डेज होती है।
इट प्ले रोल इन इम्यून सिस्टम। ये जो पॉइंट है तो ध्यान समझें कि जो WBC है वो इम्यून सिस्टम में कैसे रोल अपना करती है, कि हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई एलर्जी है, कोई इंफ्लामेटरी रिएक्शन है मैकेनिज्म है बॉडी में, और बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस को एंटर होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, और वो एंटीबॉडीज जो है इसके सहायता से बनती है, किसमें बनती हैं, वो बनती है WBC में। तो WBC का जो है हमें डिफेंस में ये हेल्प करता है, बॉडी में ये डिफेंस करता है, इसलिए लिखा है कि इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाने। पार्ट इसके दो होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने पूरे चार्ट में पढ़ा था, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उसके तीन पार्ट हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स हैं इसका काम क्या है, इट प्ले रोल इन फैगोसाइटोसिस। इसका मतलब ये है कि बॉडी में अगर कोई एलर्जन कोई एंटीजन एंटर करता है बाहर से, या बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो जो सेल हैं उनको क्या करता है, उनको निगल जाता है, इनगल्प करता है, और इनगल्पिंग सेल जो एक नेचर है इसे हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। दूसरा है बेसोफिल्स, इट रेजिस्ट एलर्जी। बॉडी में अगर कोई एलर्जी हो रही है, कोई इन्फेक्शन है, उस एलर्जी को ख़त्म करने का जो काम है उसमें कौन अपना रोल निभाएगा, वो है बेसोफिल। बेसोफिल का काम क्या है, एलर्जी को ख़त्म करना, तो एंटी एलर्जी को। फिर है इसिनोफिल। जो इसिनोफिल है, हमारे बॉडी में कोई पैरासाइट के द्वारा, कोई पैरासाइट के द्वारा इन्फेक्शन हो रहा है, पैरासाइट क्या है, कोई बाहर से बॉडी में कोई एंटीजन है, कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, बॉडी में एंटर किया और उसके वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस इन्फेक्शन वाली जो स्टेज है जो, उसको कौन ख़त्म करेगा, उसको इसिनोफिल ख़त्म करने का काम करेगा। उसके बाद एक ग्रेनुलोसाइट में दो पार्ट हैं, मोनोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स का काम क्या है, मोनोसाइट्स का काम भी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, जैसे कि कैसे करता है कि बॉडी में जो इन्फ्लामेटरी और नॉन इन्फ्लामेटरी जो मैकेनिज्म है उनमें ये हेल्प करता है, बॉडी में कोई सेल है उसमें सूजन आ जाए किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो उस इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को कंट्रोल कौन करता है, मोनोसाइट्स जो है कंट्रोल करते हैं। इसके बाद है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट और सेल है, इसके अंदर दो तरह की सेल होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। मेनली इनका ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी में लिम्फोसाइट बनाने का। जो ये बी लिम्फोसाइट है ये प्रोटीन एक्सप्रोड्यूस चेन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की चेन को बनाती है, और उस प्रोटीन चेन को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडी की आर्मी को तैयार करता है, तो ये आर्मी को तैयार करता है, ये खुद एंटीजन को या बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म नहीं करता है बी लिम्फोसाइट, ये आर्मी तैयार करता है, ये एंटीबॉडी बनाता है। फिर इनकी सहायता से जो टी लिम्फोसाइट है इनको हम कहते हैं टी किलर सेल भी कहते हैं इनको। टी किलर सेल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बी लिम्फोसाइट ने जो आर्मी तैयार करी है प्रोटीन की, जो एंटीबॉडीज बनाए हैं उनका इस्तेमाल करके ये टी लिम्फोसाइट जो है उस एंटीजन को ख़त्म करेगा, बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करता है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसके बाद इसमें हमारा जो थर्ड जो वर्ब एलिमेंट है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स है इसका मेनली काम क्या है, ये हमारी बॉडी में कोई कट लग जाए, कोई इंजरी हो जाती है, तो ब्लड जो लॉस होता है उस ब्लड को लॉस नहीं होने देता है, ये क्या करता है, क्लॉट कर देता है उसको, उसमें थक्का जमा देता है ताकि ब्लड जो है बॉडी से ज़्यादा बाहर जो है लॉस ना हो। तो इनकी जो कंसेंट्रेशन है, जो इनकी मात्रा है वहाँ कितनी होती है, ये लगभग होते हैं 1.5 लाख से 3.5 लाख पर MM³। अगर मैं बात करता हूँ पर MM³ की, तो उसमें करीब 1.5 लाख से 3.5 लाख जो है क्या होंगी, प्लेटलेट्स होती हैं। इनका काम क्या है, दे प्ले रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करती हैं, इसमें कई प्रोटीन होती है, थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन प्रोटीन है, फाइब्रिल्स हैं, और कई फाइबर्स होते हैं, कुछ आयंस भी हैं, K+ है, ये बहुत सारे फैक्टर्स मिल गए जो है
ब्लड को कोगुलेट करते हैं ताकि ब्लड जो लॉस ना हो। और जैसे कि अब आपने स्टार्टिंग से इसमें सारे पार्ट पढ़े हैं, प्लाज्मा क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, और ब्लड में जो फॉरन एलिमेंट हैं इसमें WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है। RBC के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, उसमें काम क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट क्या है, WBC के पार्ट क्या हैं, उनके फंक्शन क्या है, प्लेटलेट्स जो है उसका क्या काम है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्लड से रिलेटेड जब पढ़ाऊंगा, उसमें ब्लड ग्रुप होंगे कि कोई पेरेंट्स है अनोन, कोई पेरेंट्स है उसके बच्चे जो हैं उनका ब्लड ग्रुप कैसे निकालते हैं हम। कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है तो बच्चे का क्या होगा। यार पूछ लेते हैं बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो है मदर का ए है तो पिता का क्या हो सकता है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, तो इन सब के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट। तो अगर ये इसके लिए जो मैंने लिखवाए हैं इन सब के लिए आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनके नोट्स बना सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हेल्प करेगा आपको, इसमें से कई बार बहुत से क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।